नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महिला से छेड़खानी, घर के सामने बर्तन मांजने वाली महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय पीड़िता आरोपी रूपेश युवराज लफरे तेलकामटी के घर के सामने बर्तन मांजती है। 25 जुलाई को सुबह 7 बजे आरोपी रूपेश ने महिला को घर के सामने बर्तन मांजने से मना किया। इस दौरान उसने महिला को लज्जास्पद लगने वाली बात कहकर छेड़खानी की। सामने पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। दरवाजे की कुंडी उखाड़कर माल उड़ाया। देवलापार के एक बंद घर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने 2.25 लाख रुपए से ज्यादा का माल उड़ा दिया। देवलापार थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 अमीराबाई कॉलोनी निवासी फरियादी बाबूलाल सुखराम कोटवते बुधवार की शाम बाहर गाँव गए हुए थे। गुरुवार को सुबह 9:30 बजे वे घर वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि किसी चोर ने उनके घर के दरवाजे की कुंडा तोड़कर घर में प्रवेश किया है। कार दुर्घटना में 2 की मौत। तेज रफ्तार कार चालक का गाड़ी से नियंत्रण छूटने से अनियंत्रित हुआ कार पेड़ से टकरा कर पलट गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे हुई। घटना में पिटरी निवासी नीलेश जोनारकर की मौके पर ही मौत हो गई। अहेरी तहसील के महागांव निवासी सदाशिव कुमरे गंभीर घायल होने से उन्हें अहेरी के ग्रामीण अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।